सो गाइस फास्ट इस एक्टिविटी को फॉलो करें। जिस किसी ने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया है सेशन का उसको स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दें और एक मैसेज साथ में ड्रॉप कर दें दैट आई एम इन लाइव सेशन ऑफ पवन सोनी सर। ओके एंड बेसिकली गाइस आज के सेशन में आपको वर्क फ्रॉम होम की क्लैरिटी दी जाएगी, कैसे आप अपने घर पे बैठ के एक ऐसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट आपको मतलब कि मंथली 20-30,000 रुपीज अर्न करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके और इससे आप अपना स्टेबल करियर भी बना सकते हो, तो इसके बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। एंड बेसिकली आज एक प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दिया जाएगा कि इसमें सक्सेस रेशियो कितनी है। ओके और आपकी तरह कितने बिगिनर्स आके हमारे साथ यहाँ पे अच्छी ग्रोथ ले पा रहे हैं। ओके तो जल्दी से इस एक्टिविटी को फॉलो करें, जल्दी मैं अपना सेशन में कंटिन्यू करता हूं और स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करते हैं जिस भी ग्रुप से आपको लिंक मिला है वहां पे अपना बता सकते हैं कि मैं सेशन में एंटर हो चुका हूं फास्ट। एंड जितने भी पार्टनर्स हमारे बीच में हैं आप जल्दी से मुझे ये बताएं कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो और आपकी एज कितनी है। सो गाइस मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं दैट सर मैं अपना आगरा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड, तो ऑलमोस्ट इंडिया की हर एक स्टेट से एंड कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जो अदर कंट्रीज से भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, दैट्स ग्रेट। ओके सो मैं मैसेजेस मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में काफी ज्यादा पार्टनर्स हैं जमशेदपुर, दिल्ली, ओके तेलंगाना, राजस्थान। वेरी गुड। ओके तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज के सेशन में ना आपको ऐसी क्लैरिटी मैं देने वाला हूँ ना कि आप मतलब कि देखो आप सभी को पता है हम सभी एक पैंडेमिक फेस कर रहे हैं। ओके आपको पता है कि काफी स्टेट्स में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ भी चुकी है, कई स्टेट्स में लॉकडाउन लग भी चुका है, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में हमने घर पे बैठ के सेफ रहकर कैसे अपना वर्क स्टार्ट करना है उसकी मैं आपको क्लैरिटी में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आई होप सभी ने एक्टिविटी फॉलो कर ली होगी जो मैंने बोला था कि स्क्रीनशॉट आपने फॉरवर्ड करने हैं, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सेशन को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। अपनी वीडियो में ऑफ कर रहा हूँ सो दैट आप अच्छे से स्लाइड्स को देख पाओ क्लियरली, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा हमारे इवेंट 23 कम्युनिटी में, जो कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड अपने बेस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम के लिए जानी जाती है। ओके तो इस कम्युनिटी की हेल्प से आज आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एंड आज का गाइस मैं मेन होस्ट हूँ माइसेल्फ पवन सोनी। इस इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड जैसे आप अभी एज अ स्टूडेंट, एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय, आप हो सकता है कहीं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी यहाँ पे मुझे अपना वॉच कर रहे हो। सो आपकी ही तरह मैंने इस इंडस्ट्री में जब स्टार्ट किया था उस दैट टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स मैंने क्रैक करे भी थे, रेगुलर गवर्नमेंट जॉब मैंने क्वालिफाई करी थी, देन उनको मतलब कि ना ज्वाइन करते हुए, ठीक है, मैंने एक तरह से गवर्नमेंट जॉब को साइड रख के मैंने अपना फुल टाइम इस इंडस्ट्री में दिया। एंड रीजन था वन ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर प्रदीप शर्मा जो इस इंडस्ट्री से ऑलरेडी 6 ईयर इनकम अर्न कर रहे थे, मतलब 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे थे एंड वही चीज मेरा रीजन बनी। एंड आज गाइस मैं खुद तो सक्सेसफुल 6 ईयर इनकम अर्नर हूँ बट मेरे साथ काफी ऐसे यूथ आ रहे हैं जो डेली आ रहे हैं, उनको मैं ट्रेन भी कर पा रहा हूँ अपने साथ साथ। ओके तो आज उसी सेशन में वर्क फ्रॉम होम के सेशन में आप भी इनवाइट किए गए हो, तो अच्छे से आपने सेशन को एंड तक वॉच करना है। ये सेशन 25-30 मिनट्स का जाने वाला है, इतना पेशेंस अगर अपने करियर के लिए हम रख सकते हैं तो रखें, अदरवाइज अगर पेशेंस की कमी है हमारे अंदर या हमने अभी जाना है किसी अर्जेंट काम की वजह से तो सेशन को आज आप मत वॉच कीजिए, अदरवाइज आपको हाफ नॉलेज समझ नहीं आएगी। ओके सो स्टार्ट करते हैं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हु वी आर, हम है कौन और हम करते क्या है। सो गाइस वी आर प्रोवाइडिंग स्टेबल डिजिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, हम लोगों को स्टेबल करियर प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया। जैसे कि आपको पता है कि आप फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, ये सारे सोशल हैंडल्स में आपकी प्रोफाइल्स हैं। ओके बट अभी तक ना इनसे हमें प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, इसकी हेल्प से हम मंथली अच्छा खासा अर्न नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इनकी हेल्प से हम उसको सिखा रहे हैं कि वो मतलब कि क्या कैसे यहाँ से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हेल्प से हजारों लाखों में कैसे ना अर्न कर सकते हैं। बट ये सिस्टम सिर्फ उन्हीं के लिए जिनके गोल्स हैं, जिनके ड्रीम्स हैं, क्योंकि जो सिर्फ 9 to 5 की मेंटेलिटी रखते हैं लाइक मेरी जॉब लग जाए मुझे सब कुछ मिल गया, तो उन लोगों के लिए शायद ये प्लेटफॉर्म नहीं है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ ड्रीमर्स के लिए है, ठीक है। सो व्हाट आर योर गोल्स, सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा ये, आपके गोल्स क्या है। किसी चीज को पाने से पहले हमें अपना वाई क्लियर होनी चाहिए कि हमें ये चीज क्यों चाहिए।
तो जब तक हमें गोल क्लियर नहीं होंगे तब तक हम किसी सिस्टम में एंटर नहीं कर पाएंगे। जैसे कॉमन गोल अगर मैं बात करूं, कॉमन से गोल्स ये होते हैं कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे मतलब कि इतना पैसा कमाना है कि मैं किसी भी चीज को बाय करने से पहले सोचू ना, ठीक है। एंड सेकेंडली हमारा एक और होता है गोल कि मुझे अपना खुद का घर चाहिए, या जिस भी घर में मैं रह रहा हूँ मैं उससे भी बड़े घर में रहूँ, एक बड़ा मेरा घर हो जिसमें मतलब फ्रेंड्स वगैरह हम हाउस पार्टीज कर सकें, एंजॉय कर सकें और अपनी फैमिली को भी अच्छे से एंजॉय करवा पाए। थर्ड ड्रीम होता है हमारा कि हमारे पास खुद की कार होनी चाहिए, वो कोई भी कार हो बस अच्छी कार हो और जिसमें अपना लाइफ स्टाइल भी मैं शो कर पाऊँ, क्योंकि यूथ आज की डेट में ना इन सब चीजों की यूथ को जरूरत है, हर किसी यूथ को मतलब ड्रीम है, बट देखा जाए सोसाइटी के प्रेशर से या बोल सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ना वो चीजें अपनी वो पूरी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एक और चीज ट्रैवलिंग, आज मैं अगर पूछना चाहूँ हर एक पार्टनर का यही रिप्लाई आएगा दैट यस सर आई लव ट्रैवलिंग, हर इंसान को घूमना पसंद है, ओके। बट अगर आपको इंडिया इंडिया में भी घूमना है ना, इंडिया को भी एक्सप्लोर करना है, तो भी आपको लाखों में रुपया चाहिए, ठीक है, स्टे करने का, एक्सप्लोर करने का सारा कुछ, ठीक है। सो ये चीज है। बाकी सबसे बेस्ट चीज सबको ये पसंद है कि मेरा ऐसा एक करियर हो जहां पर मैं सिक्योरली वर्क कर पाऊँ और स्टेबल करियर मेरा बन पाए, ठीक है। तो गाइज जिस सिस्टम से आपको मैंने एसोसिएट किया ना, ये सिस्टम आपको उन चीजों से कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। पर अगर राइट नाउ अगर मैं देखूँ ना, जैसे आज की डेट में ना 2022 चल रहा है, ठीक है, 2022 चल रहा है, तो 2022 के हिसाब से मंथली इनकम रिक्वायरमेंट पता है कितनी है आज की डेट पे, 1,00,000 रुपए महीना चाहिए, तब जाके आपकी फैमिली अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। बिकॉज द रीजन इज 1940 में 1960 में जब 1,000, 2,000, 100 रुपए 10,000 में भी घर चला करते थे, एक टाइम था, वो एक दौर था, बट आज की डेट में ना उतने रुपए में घर नहीं चलते। सो आर यू प्रिपेयर्ड, क्या हम तैयार हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसी नौकरी है जो हमें लाखों रुपया एक महीने का दे रही हो लाके, ठीक है। बट प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है ना कि पीएचडी करके भी ना इंसान मतलब किस चीज के पीछे भाग रहा है, 10-20 हज़ार की नौकरी के पीछे भाग रहा है, क्योंकि आज की डेट पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जिसे बेरोजगारी बोला जाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे नोकिया फेल क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या था। नोकिया फेल इसलिए हुआ क्योंकि उसने हार्डवेयर पे फोकस किया, उसने सॉफ्टवेयर पे फोकस नहीं करा, ठीक है। एंड एक टाइम पे वो बेस्टेस्ट स्मार्टफोन हुआ करता था, मतलब टॉप मोस्ट ब्रांड हुआ करती थी, बट आज वो एक फेल्ड कंपनी के नाम से जानी जाती है, नोकिया, ठीक है। ऐसे ही ना आज यूथ टैलेंटेड काफी ज्यादा है, ठीक है, बचपन से काफी क्रिएटिव रहते हैं, टैलेंटेड रहते हैं, उसके बाद इवन टॉप भी करते हैं क्लास में, बट आफ्टर बिकमिंग ग्रेजुएट उन्हें बाहर नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो अपने आप को ना सिर्फ नौकरी के लायक समझ रहे हैं, वो अपने आप को स्मार्टेस्ट वे से कोई एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहे, या डिजिटल मीडिया की तरफ नहीं जा रहे, वो ऑनलाइन वर्क की तरफ नहीं जा रहे, वो सिर्फ जैसे 50 साल पहले लोग पढ़ाई करके नौकरी लगते थे, आज सेम वो चीज आज भी कॉपी करी जा रही है। ऊपर आप पढ़ सकते हो कि पीएचडी टॉपर ने मांगी मौत, ठीक है, मतलब पीएचडी में टॉप करने के बाद भी वो गवर्नमेंट से गुहार लगा रहा है इच्छा मृत्यु की, क्यों, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही। और इतने सारे आर्टिकल्स आप देख रहे हो, लास्ट आर्टिकल ये भी आप देख पा रहे होंगे, 8,000 की नौकरी लाइन में लगे एमबीए पीएचडी, ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही है ना बिकॉज आपका प्रैक्टिकल होना आज की डेट पे जरूरी है। लोग पीएचडी करने में लाखों रुपए लगा देते हैं, बट लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें हजारों रुपए की जॉब नहीं लग पाती, और कई बार तो हम स्टडी लोन लेने के बाद हम लोन चुकाते रह जाते हैं, जब तक हमारी एज 31-32 साल हो जाती है तब तक वो लोन उतरता है, तब तक हमारी फैमिली स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो एक होता है ना फन करने का टाइम या एंजॉय करने का टाइम होता है वो हमारी लाइफ से निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ती जा रही है। बाकी हमें फिर वो लोग हायर करते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, हम उनके बिजनेस को ग्रो करते हैं और उनका ज्यादा प्रॉफिट होता है, बट हमें सिर्फ एज अ सैलरीड एम्प्लॉय रखा जाता है, राइट। सो वेलकम टू द डिजिटल एरा, डिजिटल एरा में आप सभी का वेलकम है। मैं आपको ये बताऊंगा कि डिजिटली हमने कैसे इसमें अपना अच्छी खासी ग्रोथ अपना लेनी है। सो गाइज इफ यू आर एक्साइटेड देन आप सिंपली यस का मैसेज टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि यस सर आई एम एक्साइटेड टू लर्न, कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, ओके। सो गाइज फॉरएवर लिविंग प्रोजेक्ट एक ऐसी डिजिटल अपॉर्चुनिटी है ना जिस प्रोजेक्ट को आप शेयर करके सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, मतलब हजारों नहीं लाखों लोग यहाँ पे अपना स्टेबल करियर बना चुके हैं सिर्फ सोशल मीडिया की हेल्प से, क्योंकि आपको पता है कि कोविड कितने टाइम से चल रहा है, ओके। और इस कोविड में काफी लोगों ने, मतलब अगर मैं सिर्फ इंडिया इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में इतने हजारों लोगों ने इसमें सिस्टम में एंटर करके ग्रोथ ली है ना, दैट इज मार्वलस,
ओके सो व्हाट इज फॉरएवर लिविंग? सबसे पहले क्योंकि काफी पार्टनर्स हैं जिन जो मैसेज कर रहे हैं, सर हमें पता है फॉरएवर लिविंग के अबाउट, बट कई लोग ऐसे भी जो मैसेजेस कर रहे हैं कि सर व्हाट इज फॉरएवर लिविंग? सो मैं क्लैरिफाई करूंगा आपको गाइस, ये 1 या 2 साल का स्टार्टअप नहीं है, इसको 43 ईयर्स हो चुके हैं। 1978 का स्टार्टअप है बाय मिस्टर रेक्स मॉन्सर, जो इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं। ओके अगर इसके मैं प्रोफाइल की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 13 मई 1978 को उसका स्टार्टअप हुआ था। 43 ईयर्स उसको हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ज्यादा ही साल हो चुके हैं उससे, क्योंकि आज 2022 चल रहा है। और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की, ये टॉप लीडर है एलोवेरा पे है। अब देखो अगर आप अपना कोई भी एक्स वाई जेड बिजनेस स्टार्ट करते हो, एक्स वाई जेड, तो वो या तो किसी सर्विस पे स्टार्ट करोगे या तो किसी प्रोडक्ट पे स्टार्ट करोगे। तो ये जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, बट हमने इसमें एक-एक प्रोडक्ट को बेचना नहीं है। हमने बिजनेस प्रोडक्ट्स पे करना है, बट हमने प्रोडक्ट्स को बेचकर बिजनेस नहीं करना, ठीक है? इस बहुत फर्क है इन दोनों में। हमने मतलब सेल्समैन की तरह काम नहीं करना, हमने एज अ बिजनेसमैन, हमने एक तरह से डिजिटल एंटरप्रेन्योर के तौर पे हमने इसमें काम करना है। और ना कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया से हटकर 160+ कंट्रीज में बिजनेस अपना ग्लोबली चल रहा है, ग्लोबली। ओके और 25,000 करोड़ से ज्यादा इसकी हर साल इसकी टर्नओवर रहती रहती है। एंड बात करूं ब्रांड की, तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड ये ब्रांड है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व बीच में नहीं है। तो जो पैसा थर्ड पार्टी को जाना होता है ना, वो पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को आता है, ठीक है? और आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, बाकी ग्लोबली आप देख सकते हो कितनी कंट्रीज में इसके अपना ऑफिसेज हैं, कितने रीजनल ऑफिसेज हैं, एवरीथिंग। बाकी बात करें अगर टॉप के ऑफिसेज की, तो मैं वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा आपको, जो मतलब कि प्रॉपर प्राइम लोकेशन पे है। और Guys, we are in Dubai. We are at a Forever Living office in Dubai. Just imagine what a massive office. तो गाइस जस्ट इमेजिन, अगर आपको अपना कोई छोटा सा स्टोर खोलना हो ना, उसमें भी आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। बट इस इंडस्ट्री की बात हो तो इतने ज्यादा रीजनल ऑफिसेज हैं, हर चीज बनी बनाई है ना, आपको कोई अपना शोरूम खोलना है ना, प्रोडक्ट्स बनाने हैं ना, किसी को सैलरी प्रोवाइड करनी है, जस्ट आपने सोशल मीडिया की हेल्प से ना इन सारे आरडीओज में अपना काम स्टार्ट करना है, आप ग्रो कर सकते हो काम। एंड उसके लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी जाएंगी, वो आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। This is mind blowing, fantastic, and guess what? This is for us, for everyone. Imagine what business you can do in Dubai. There is no reason for you to say no. And guess what? We are just not anywhere. We are not in some gully. We are on Sheikh Zayed Road. Guys, that's the Sheikh Zayed Road. तो गाइस ऐसे ही ना काफी प्राइम लोकेशंस पे हमारे ऑफिसेज हैं, जिनको आप देख सकते हो। और जो वीडियो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ ना, इंडिया के ये हेड ऑफिस की वीडियो है, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल वीडियो है, इसको देखना, मैं प्ले कर रहा हूँ। सो गाइस ये मेन जो हेड ऑफिस है इसका, वो बांद्रा मुंबई में है। और बांद्रा एरिया ऐसा है, आपको पता होगा कितना मॉश एरिया है वो। ओके तो वहां पे हमारा अपना मेन ऑफिस ऐसा है। और देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था अपना, 2000 में इंडिया में आई थी ब्रांड की, और 19 इसके रीजनल ब्रांचेस हैं अपना इंडिया इंडिया में, और हर साल इसकी 500 करोड़ की टर्नओवर रहती ही रहती है। ओके एंड रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पे, आप ये देख सकते हैं, जम्मू, जलंधर, मोहाली, मेरठ, दिल्ली, ये सारे इसकी रीजनल ब्रांचेज हैं। ओके गाइज सो आगे लेके चलता हूँ। अब देखो अगर मैं बात करूँ इस इंडस्ट्री में अर्नर की, ठीक है, अर्नर की मैं बात करूँ, अब सबसे पहले ना किसी भी इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो ग्रोथ रेशियो देखते हैं कि इसमें ग्रोथ रेशियो कितनी है, इसमें ग्रोथ रेट कितना है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं बात करूँ, अगर हम आईपीएस बनना चाहते हैं ना, हम उसकी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो कितने लोग उसकी तैयारी करते हैं, बट सक्सेस रेशियो बहुत ही ज्यादा कम निकल पाती है, ठीक है? अगर हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम तैयारी तो कर रहे हैं, बस उसके लिए सक्सेस रेशियो कितनी कम है उसकी, है ना? कितने लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, बट जॉब्स कितने लोगों की लग पा रही है, बहुत रेयर लोगों की लग पा रही है। ऐसे ही अपना अगर मैं बात करूँ, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, एक सेकेंड होल्ड ऑन।
बाकी गाइस अगर यहाँ तक आप सभी को चीजें मतलब कि इसकी ग्रोथ रेशियो समझ आ रही है ना, देन मुझे आपको चैट बॉक्स में सिंपली यस का मैसेज टाइप करते रहे, मुझे पता लगना चाहिए कि हाँ मेरी ऑडियंस वाकई में एक्टिव है। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सो ऑल आर वेरी एक्साइटेड। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। सो गाइस ये टॉप अर्नर्स हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में मतलब कि सोच सकते हो उनकी एज कितनी है, उनकी एज कितनी है नियर बाय हमारे पेरेंट्स की एज की होगी, उनकी 45 50 प्लस एज होगी, बट आज वो इस इंडस्ट्री से 1 करोड़ 60 लाख तक भी अर्न कर चुके हैं। मिस्टर आनंद गांधी 95 लाख, एंड देख सकते हैं विन के फाउंडर मिस्टर प्रदीप शर्मा सर के साथ इनकी फोटो है सुनील गुप्ता सर की, और सबसे हाईएस्ट सीवी इनका रहा है मिस्टर सुनील गुप्ता सर के बाद सूर्य सिन्हा सर का, जिन्होंने 3 करोड़ 84 लाख का सीबी अचीव किया था 2017 में। सोच के देखो इतनी ज्यादा एज है। अब सोचो इनसे ज्यादा सोशल मीडिया आपको यूज करना आता भी नहीं होता, इनसे ज्यादा अच्छा आपको यूज करना होता होगा, बट प्रोजेक्ट के ऊपर है ना कि प्रोजेक्ट आपको नहीं पता कि किस तरह शेयर करना है, तो सारा कुछ आपको ट्रेनिंग्स के थ्रू अपना प्रोवाइड किया जाएगा। अब इस लेवल की आपने सक्सेस रेशियो तो देख ली कि यार हाँ सच में इसमें सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है, इसमें मतलब कि काफी अच्छी इनकम ग्रोथ है। अब नाउ चेक हाउ वी कैन अर्न, हम ये चेक करेंगे कि हमने कैसे अर्न करना है, ठीक है। सो गाइस इसमें ना कुछ लेवल्स दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ लेवल्स दिए गए हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, तो उसके ऊपर कुछ सीसीज भी लिखे हुए हैं, 2 CC पे असिस्टेंट सुपरवाइजर, 25 CC पे सुपरवाइजर, और उसके नीचे इनकम भी मेंशनड है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग होगी, बिगनर आप होगे, तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आ सकते हो विद इन 3 to 4 days, 3 से 4 दिन में कैसे आना, उसके ट्रेनिंग्स आपको मिलेंगी, और उसके बाद आने पे एयर्स लेवल पे आप आगे 25,000 से लेके 30,000 तक मंथली अर्न कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आप फ्रेशर हो या आपको एक्सपीरियंस है, आप इतने मतलब इतनी अमाउंट अर्न कर पाओगे अगर आपने अच्छे से हर चीज को अंडरस्टैंड करके फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सुपरवाइजर बनते हो जब आपकी प्रमोशन होती है, तो सुपरवाइजर लेवल पे 35 से लेके 45,000 तक हम नियर डियर अर्न कर सकते हैं थर्ड मंथ में जाकर, जो कि 25 CC में होता है। अब ये सीसीज वगैरह हमने कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे कलेक्ट करने हैं, सारा हमारे मार्केटिंग प्लान का पार्ट है, सारा हमारा ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। एंड असिस्टेंट मैनेजर पे आप देख सकते हो 60 to 70,000 ऑन एवरेज अपनी टर्नओवर के हिसाब से आप अर्न कर सकते हो। और मैनेजर लेवल इस इंडस्ट्री में एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पे जाने के लिए ना हर इंसान ना बहुत ज्यादा एफर्ट्स करता है, और जो डाई हार्ड एफर्ट्स करता है ना वो इस लेवल पे विद इन 6 मंथ पहुंच कर 1 लाख की इनकम को टच कर सकता है मंथली। जबकि बाहर की अगर मैं मार्केट से कंपेयर करूँ ना, 1 लाख की इनकम तक अगर हमें पहुंचना हो तो हमें बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, और बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, और पेशेंस हमें कई सालों का रखना पड़ता है, तब जाके शायद हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। एंड आप सभी को पता ही होगा कि अगर आपके पेरेंट्स कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो कईयों के पेरेंट्स 90% लोगों के पेरेंट्स ना 1 लाख की इनकम तक आज तक नहीं पहुंचे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये इनकम देखा जाए ना बहुत ही रेयर लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं, सिर्फ 1% है इंडिया में ऐसे लोग जो 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं मंथली, ठीक है गाइस। तो इस इनकम तक आप 6 मंथ में कैसे पहुंचोगे, उसका सारा आपको क्राइटेरिया ट्रेनिंग सेशन में अपना दिया जाएगा। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि आपने प्रोजेक्ट को शेयर करना है सोशल मीडिया पे, शेयर करने के बाद आपके सीसीज कलेक्ट होंगे, सीसीज आपके लेवल को अप करेंगे, आपकी प्रमोशन में हेल्प करेंगे, ओके। एंड सीसीज की हेल्प से ही आपकी टर्नओवर काउंट होगी, और टर्नओवर के हिसाब से आपको आपका बोनस मिलेगा, ओके। सो इसमें बेसिकली हम 2 प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट है वो जब ही चल पाता है जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मार्केट में हमें मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूँ ओयो रूम्स, ओयो रूम्स इतना ज्यादा क्यों चल पाया, क्योंकि मार्केट में प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों को ना होटल्स में जाना पड़ता था, ठीक है। होटल्स में जाने के बाद अपना वहां पर बुक करवाने पड़ते थे रूम्स, बट आज फैसिलिटी इतनी ज्यादा है कि आप हफ्ते पहले भी कोई भी होटल सेलेक्ट करके इंडिया में से आप उसको बुक करवा सकते हो, ओके। रिफंड पॉलिसी भी है, मतलब बहुत कुछ ऐसी सुविधाएं दे दी हैं कि लोगों को मतलब कि जो प्रॉब्लम थी ना उसका सलूशन मिल गया। इसी वजह से आज ओयो की जो इंडस्ट्री है ना रितेश अग्रवाल की, वो 1,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो आज अगर राइट नाउ अगर मैं बात करूँ ना प्रॉब्लम की, तो इंडिया में 2 मेजर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दैट इज हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ की प्रॉब्लम भी चल रही है, सेकंड वेल्थ की प्रॉब्लम भी चल रही है, ओके। तो फॉरेवर रैना इन दोनों चीजों पे मेनली डील कर रहा है, वर्क कर रहा है पिछले 43 ईयर्स से, ओके। और देखो बड़ी बड़ी ब्रांड्स आई हैं, जैसे कि लाइक अगर मैं बात करूँ जोमेटो, स्विगी, ओयो, उबर,
ओला, ये सारी ब्रांड्स ने ना सोशल मीडिया का ना एक नेक्स्ट लेवल का यूज करा है, जिस वजह से आज वो ना हजारों करोड़ की इंडस्ट्रीज खुद को बना पाई है, राइट? तो ऐसे ही आपने एज इट इज इस इंडस्ट्री में आ चुके हो ना, इस इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट को शेयर, पता है कैसे करना है आपने? सोशल मीडिया से शेयर करना है कि आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया की हेल्प से एक्सपैंड कर सको, ग्रो कर सको, बिल्ड कर सको. ओके, अब आई अंडरस्टैंड कि आपने किसी में भी पार्टनर ने इंस्टाग्राम का एज अ बिजनेस वर्जन यूज नहीं किया होगा कि बिजनेस अकाउंट में कैसे प्रमोशंस करनी है, स्नैपचैट पे कैसे वर्क करना है, ठीक है, लिंक्डइन पे कैसे हमने लीड जनरेट करनी है. अभी तक हमें कुछ नॉलेज नहीं है, बिकॉज ना हम इस फील्ड से थे ना कुछ. बट डोंट वरी गाइज, यहाँ पर ना विन कॉमेडी में आपको हर चीज समझाई जाएगी, कैसे आपने हर चीज को प्रमोट करना है, शेयर करना है, और कैसे अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्डअप करना है. तो कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं? सबसे पहले मुझे ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू लर्न? कितने लोग ट्रेनिंग सिस्टम के लिए तैयार हैं? ठीक है, क्योंकि देखो आपको इतना तो पता होगा कि जो सेलिब्रिटीज हैं उनके करोड़ों में उनके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जिसकी वजह से कोई भी ब्रांड अगर छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी उनको देती है ना प्रमोट करने को. लेट सपोज कर प्रियंका चोपड़ा को कोई भी ब्रांड ने 2,000 रुपए का प्रोडक्ट दिया प्रमोट करने के लिए, ठीक है, अब 5 करोड़ की ऑडियंस उनको फॉलो कर रही है, 5 करोड़ की ऑडियंस में से 1,00,000 की भी ऑडियंस अगर वो 2,000 रुपए का प्रोडक्ट बाय कर लेती है, तो 20 करोड़ का प्रॉफिट प्रियंका चोपड़ा की सिंगल इंस्टाग्राम की पोस्ट से हमें देखने को मिल रहा है, 20 करोड़ का प्रॉफिट. अब अगर वो चार्ज कर दी कि मुझे एक पोस्ट डालने के मुझे 1 से 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, तो ब्रांड उनको इजिली पे कर देंगी, क्योंकि ब्रांड का प्रॉफिट कितना हो रहा है ना. ऐसे ही विराट कोहली की मैं बात करूं तो इनके भी काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, फैन बेस है. तो अगर ये भी कोई भी सिंगल प्रोडक्ट भी प्रमोट करते हैं ना, 2,000 का भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2,000 का भी प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और इनकी 2,00,000 की ऑडियंस भी ना वो प्रोडक्ट परचेस कर लेती, तो 40 करोड़ का क्या हो जाता है ना गाइस, 40 करोड़ का प्रॉफिट होता है एक सिंगल पोस्ट से, ठीक है. बट काफी पार्टनर से सोच रहे हो सर मेरे तो इतने फॉलोअर्स नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, डोंट वरी गाइस, उसके लिए प्रमोशंस है हमारे पास, प्रमोशंस करके हम टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट वर्क वी हैव टू डू, हमें कौन सा वर्क करना है, क्या करना है हमें. सो ये सबसे सिंपल बिजनेस है पूरे अर्थ में, क्योंकि यहाँ पे 95% वर्क बना बनाया है, हमें जस्ट 5% वर्क करना है, जिसमें से 3% हमें नॉलेज लेनी है और 2% हमने क्या करना है, उस नॉलेज को शेयर करना है. एंड बेचना नहीं है यहाँ पे, हमने रेकमेंड करना है, क्योंकि ज्यादातर पार्टिसिपेंट ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने सेलिंग तो नहीं करनी. ओके, सो गाइज वी हैव टू शेयर अवर बिजनेस प्रोजेक्ट, हमें बिजनेस प्रोजेक्ट को शेयर करना है सोशल मीडिया पे. एंड पॉपुलेशन आपको पता है इंडिया की कितनी है, और सबसे ज्यादा इंडिया में यूथ है, एंड आज की डेट पे यूथ अनएम्प्लॉयड है. तो बहुत ही मैसिव वे से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो. बाकी ग्रोथ पोटेंशियल इसमें ऐसी, आप जितना भी काम करते हो, लेट सपोज करो आपने जैन मंथ में जितना भी काम करा, ठीक है, तो उसका बोनस ना आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा. अगर नेक्स्ट मंथ फरवरी है तो फरवरी की 15th को आपको वो बोनस मिलेगा. अगर 15th को गवर्नमेंट हॉलीडे है ना, तो 15th से पहले 14th को आपका बोनस आपको मिल जाता है. और ना कि सिर्फ इंडिया में, आप इंडिया में बैठ के किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री में ना आप अपना बिजनेस अपना ग्रो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. ओके, सो ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल वर्क हुआ. बाकी रही बात सक्सेस रेशियो की, तो जितने भी बिगिनर्स मुझे वॉच कर रहे हैं इस टाइम, है ना, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विन के फाउंडर मिस्टर प्रदीप शर्मा सर ने कभी जीरो से, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे जब वो स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्होंने एफर्ट्स करे, पहले तो काम ऑफलाइन था, आज की डेट पे तो काफी काम इजी है. इन्होंने 9 मंथ्स में मैनेजर लेवल को कंप्लीट किया, जो कि सबका ड्रीम लेवल होता है. एंड 9 मंथ्स में मैनेजर लेवल हिट करने के बाद सबसे पहला पे आउट आया था फरवरी 2017 में, 16,741 का मंथली पे आउट, मतलब जब आपकी तरह बिगिनर थे. उसके बाद जब मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ तो दिसंबर तक में जो पे आउट था वो कितना पहुंच गया, 1,10,000 रुपीज. और TDS देख सकते हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट को टैक्स कटने के बाद हमें इनकम आती है. और करते करते अगर मैं बात करूं मार्च 2020 तक आते आते 3 साल में कहां तक पहुंच गया था पे आउट, 3,07,228 रुपीज इन अ सिंगल मंथ. ये महीने के पे आउट है. और देख सकते हैं आप 15 अप्रैल को जो पे आउट TDS कटने के बाद अपना आया कितना, 2,91,866.78. तो मतलब ब्रांड इतनी ज्यादा एथिकल है कि आपको यहाँ पे पैसे पैसे का भी हिसाब देखने को मिलता है. सो इस तरीके से हमें यहाँ पे इनकम आती है. और मई का पे आउट कितना आया था, 5,56,000, जिसमें से टैक्स कटा था 27,000 गवर्नमेंट को. और बाहर सिचुएशन ऐसी चल रही है कि 27,000 की नौकरी नहीं मिल रही आज, पर इस इंडस्ट्री की हेल्प से लोग ऐसे भी हैं जो इतना इतना टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को. एंड हाइएस्ट पे आउट हमारे पे कम्युनिटी का रहा था 6,08,000 रुपीज का.
ठीक है, बट गाइस ये चीजें ओवरनाइट नहीं हुई, इसके लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स किए गए हैं, ठीक है, शुरुआत जीरो से भी थी, तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आने के बाद ही ये सब हो जाएगा, नहीं, स्टार्टिंग में पहले ट्रेनिंग्स लगेंगी आपकी, उसके बाद आपकी स्टार्टिंग यहाँ पे 15 to 16, 17 नियर डियर अपना होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद ये मैं दूर का विजन दिखा रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में सक्सेस रेशियो कहाँ तक और आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, ठीक है। बाकी जैसे मैंने स्टार्टिंग में गोल्स की बात करी थी ना, इनके इनका रीजन काम करने का था गोल्स, इनके गोल्स ने इनको काम करवाया, और ना कि सिर्फ इनके रीजन है, हमारे साथ विन में ना बहुत ज्यादा मैनेजर्स हैं, मतलब अगर मैं काउंट करने पे आऊं तो 200 से ज्यादा ऐसे मैनेजर्स हैं जो पिछले 2 साल में बने हैं, 200 से ज्यादा मैनेजर्स, जस्ट इमेजिन, और कई हैं जो असिस्टेंट मैनेजर पे 60 to 70,000, सुपरवाइजर पे 30 to 40,000, जो एक बेसिक इनकम अर्न कर रहे हैं, बट लाखों में ना इतने ज्यादा यहाँ पे मिलीनियर्स हैं जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। और इनका जो गोल था लाइक एक कार लेनी है, एक घर गिफ्ट करना है अपनी फैमिली को, इनके फादर साहब नहीं है सर के, बट एक मम्मा का ड्रीम था कि मतलब खुद का घर होना चाहिए, तो अपने दम पे इतनी यंग एज में ये सारी चीजें कंप्लीट करी, ओके, एंड ना कि सिर्फ खुद अपने साथ साथ तो काफी ऐसे लोगों को लक्जरी लाइफस्टाइल अपना जैसे खुद करें वैसे अपना प्रोवाइड किया, ओके, एंड वी आर गाइस को फाउंडर्स, जो मैं जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, माय सेल्फ पवन सोनी, सेकंड आयुषवीर सिंह सर, तो आज हमारी भी जो इनकम है गाइस वो लैक्स में है, और हम आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आपने इस सिस्टम में ग्रोथ लेनी है, और गर्ल्स को मतलब काफी ज्यादा ग्रो करने के लिए हेल्प करने के लिए हमारे पास गर्ल्स लीडर्स भी हैं काफी अच्छे से अपना यहाँ पे जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो मिस भावना शर्मा मैम की देख सकते हैं ऑन एवरेज 1.5 to 2 lakhs मैम का मंथली पे आउट है ऑन एवरेज, और मोनिका मैम का भी सेम पे आउट है नियर डियर। और आगे लेके चलता हूँ आपको मैं, बाकी यहाँ पे कुछ कार प्लान है जो इंटरेस्टिंग कार प्लान है, जैसे कि आपको पता है कि कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं अगर काम आप अच्छा करते हो तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम से हटके कुछ इंसेंटिव है, जैसे लेवल 1 क्वालिफाई अगर आप करते हो कार प्लान तो 26,000 आपको मंथली आता है, ओके, लेवल 2 क्वालिफाई करते हो 39,000, लेवल 3 पे 52,000, तो ये आपके जो कार प्लान्स हैं वो अलग है, तो इन्हें कैसे अचीव करना है सारा हमें अपना ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू बताया जाता है, और ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली कार प्लान को अचीव किया था हमारे विन कम्युनिटी में होकर, ओके, सो ये चीज है। बाकी जिनको ट्रैवलिंग का शौक है उनके लिए फॉरएवर ग्लोबल रैली 7-star एक्सोटिक टूर होता है जो कि फैमिली को भी हम लेके जा सकते हैं वहां पे, तो ये सारी क्वालिफिकेशंस आपको समझाई जाती हैं, सिखाई जाती है कैसे आपने क्वालिफिकेशंस को अपना गाड़ी से कंप्लीट करना है, और इस ग्लोबल इस लेवल पे अपना ग्लोबल रिकॉग्निशंस होती है, ग्लोबल आप देख सकते हैं स्टेज कितना ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक कंट्री से पार्टिसिपेंट्स आ रखा है, हर एक कंट्री से पार्टिसिपेंट, ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल रैलीज पे देख सकते हैं इंडिया फ्लैग के साथ साथ काफी ऐसे फ्लैग्स हैं जो यहाँ पे अपना हो रहे हैं, ठीक है, तो आगे लेके चलता हूँ आपको मैं। बाकी टॉप 5 कंट्रीज में देखो 4th नंबर पे अभी इंडिया चल रही है, तो इंडिया बहुत ही जल्दी टॉप पे आने वाली है, इसका रीजन सिंपल है, बिकॉज इंडिया में ना डायरेक्ट सेलिंग की ना काफी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में अपना इसकी स्टडी तक होना स्टार्ट हो गई है, जैसे शिवलिंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटक यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 1.5 lakh रुपए एक एक साल के सेमेस्टर की फीस है, जस्ट इमेजिन, तो इस लेवल पे इस रीजन की वजह से ना ये इंडस्ट्री टॉप पे जाने वाली है, ओके, इंडिया टॉप पे आने वाला है। बाकी कुछ इंसेंटिव्स हैं, और स्टार्टअप कैसे करना है आपका स्पॉन्सर ही आपको बताएगा। बाकी देखो लास्टली मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको कि विन 23 के ना ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम को आपने 3 दिन तक फॉलो करना है, ओके, 3 दिन तक फॉलो करना है, और अगर आपने 3 दिन तक फॉलो कर लिया तो 4th day आपका काम स्टार्ट करवा दिया जाएगा आपके स्पॉन्सर के थ्रू, और ये जो सिस्टम है विन 23 कम्युनिटी का, ये आपके गोल्स को अचीव करने में ना आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, ओके। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं, गेट रिच क्विक स्कीम ये नहीं है कि आप आज आए ओवरनाइट आपकी यहाँ पे सक्सेस होगी, आप हफ्ते में बन के, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, और सबसे ज्यादा चीज जो लगेगी वो है लर्निंग एटीट्यूड, अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप ग्रो कर जाओगे, अगर सीखना नहीं चाहते ना, सिखाना चाहते हो तो आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि कई पार्टिसिपेंट सीखने कम आते हैं सिखाने ज्यादा आते हैं, तो उन पार्टिसिपेंट को मैं पहले ही बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये चीज सोच रहे हैं दैट हाँ मुझे इसकी ऑलरेडी नॉलेज है ना, मेरे फ्रेंड्स ने भी ये चीज करी थी, मतलब काफी चीजें हैं जो हम अपना प्री जजमेंट कर लेते हैं, तो गाइज आपको यहाँ पे शुरू से सीखना पड़ेगा सब कुछ, अगर सीख ले तैयार हो तो सिंपली चैट बॉक्स में यस का मैसेज टाइप कर दो कि यस सर आई एम रेडी टू लर्न, मैं सबके मैसेजेस चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, सो यस सर आई एम रेडी टू लर्न, उसके बाद तो मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, यस सर रेडी, वेरी गुड वेरी गुड, सो ऑलमोस्ट ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड ऑल आर रेडी टू लर्न, दैट्स टू ग्रेट,
कि आप सभी सीखने को तैयार हो, क्योंकि देखो जो इंसान सीख नहीं सकता ना वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। और देखा जाए कोई कई ऐसे इंसान है जो सीख कर हवाई जहाज भी चला रहे हैं, एरोप्लेन भी चला रहे हैं, कई ऐसे हैं जो बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला पा रहे, है ना। तो सीखकर हर चीज पॉसिबल है। तो अगर आप सीखने को तैयार हो तो ही आपने सिर्फ मैसेज यहाँ पे टाइप करना है, यस सर आई एम रेडी टू लर्न, कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड। और कई तो लेजीनेस की वजह से टाइप नहीं कर रहे होंगे, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा लेजीनेस थोड़ा टाइम के लिए दूर रखें अपने से। ओके, तो दैट्स ग्रेट। बाकी गाइस हाँ, इंस्टाग्राम पे आप में से कितने कितने पार्टिसिपेंट जो इंस्टाग्राम पे आपकी आईडीज हैं, अगर आपका इंस्टाग्राम में अकाउंट है तो सिंपली यस का मैसेज टाइप कर दो। ओके, सो बहुत ज्यादा पार्टनर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी हैं। तो गाइस इस स्क्रीन का आपने स्क्रीनशॉट लेना है, इस स्क्रीन का आपने स्क्रीनशॉट लेना है, और मेरे इंस्टाग्राम को जाके आप फॉलो भी कर सकते हैं बिजनेस की अपडेट्स के लिए। और एक क्वेश्चन मैं पुट कर सकता हूँ अभी अपनी स्टोरी पे, तो उसका आपने रिप्लाई देना है कि सबसे बेस्टेस्ट पार्ट। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो स्टोरी के रिप्लाई में आप कंफ्यूजन भी अपनी पूछ सकते हैं। ओके, बाकी जिस स्पॉन्सर ने आपको लिंक प्रोवाइड किया था ना, उनको आपने डायरेक्टली कॉल में थैंक यू का मैसेज ड्रॉप करना है, या मैसेज में थैंक यू बोल सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, आपके ऊपर है कैसे आपने बोलना है। ठीक है, तो जल्दी से जाके उन्हें थैंक यू का मैसेज ड्रॉप करें, एंड स्क्रीनशॉट लेके अपना रख सकते हैं, एंड उसके बाद जाके इंस्टाग्राम पे बिजनेस की अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। और कल से आपकी जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग सेशन है, वो अपना स्टार्ट करवा दिया जाएगा मेरे थ्रू, हमारे विन कम्युनिटी के थ्रू। ओके गाइस, बाकी हाँ, Win23 कम्युनिटी के नाम से यूट्यूब पे हमारा चैनल भी है, उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। Win23 कम्युनिटी से हमारा पेज भी है। ओके, तो मेरी फॉलोइंग लिस्ट में जाके Win23 कम्युनिटी लिखोगे, मैंने जिस पेज को फॉलो किया उस पेज को जाके आप भी फॉलो कर सकते हो। और वहां पे उनके लिंक इन बायो में यूट्यूब का चैनल है, वो ट्रेनिंग का चैनल है जहां से आपकी ट्रेनिंग अपना स्टार्ट होंगी, तो उस चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन अगर रह गई है आपकी, तो अपने स्पॉन्सर से आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें, आपका स्पॉन्सर ही आपका काम स्टार्ट करवाएगा। सो नाउ गाइस, बेस्ट ऑफ लक, विल सी यू इन माय ट्रेनिंग सेशन। ट्रेनिंग सेशन में आपसे मुलाकात होगी। बाकी जो जो मैंने एक्टिविटीज बोली है उनको जल्दी से फॉलो करें, एंड अपना वर्क स्टार्ट करें फास्ट। ऑल द बेस्ट।